अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाज़रीन इकराम, पिछले दिनों श्रीरंगपटन के बिलमुकाबिल एक गाँव जिसका नाम गंजाम था, वाकई हम वहां पहुंचकर उनके घर का मुआयना किया, दौरा किया, तब हमें पता चला कि वहां पर जो है जुल्म का शिकार हैं उनके घर वाले। तो उन्होंने भी बाकायदा बहुत सारी बातें कही। उसके बाद जो है आप सब लोग जानते हैं अज्जू प्रधान की जानिब से जो है उनका पूरा काफिला जो है वहाँ पहुँच कर इनकी हाल हवाल जानने के लिए जो है जाते हैं। तब वहाँ जाकर जो है एक तसल्ली बख्श जवाब देते हुए उनको जो है एक ऑटो रिक्शा दिलाकर जो है उनसे रोजी रोटी कमाने का जरिया बनाने को कहा जाता है। आज बाकायदा शहर मैसूर में इनका जो नया दफ्तर है वहाँ पर वो मजलूम घराना जो है आया हुआ है, अब्दुलरहमान साहब उनकी फैमिली आई हुई है। देख आइए जानते हैं जनाब अजीजुल्ला अज्जू साहब और दीगर इनके बारे में, इनके ताल्लुक से क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। जी जनाब अजीजुल्ला अज्जू साहब, जिस तरह आपने वहाँ पर वादा किया था और बाकायदा एक तसल्ली बख्श जवाब देकर आए थे, आज जाकर जो है वो पूरा हो चुका है, ऐसा दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ताल्लुक से? नहीं, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग इनकी हालत दिखाने के बाद हम लोगों को, हम भी कुछ करना है इनके वास्ते, ये फैमिली के वास्ते, और को एक दिल के अंदर एक ख्याल आया। सबसे पहले वहाँ जाने का एक मौका हुआ, उनकी घर की हालत देखे, लोग रखमे रखम से बोलते थे, जाने के बाद हकीकत उनकी मालूम हुई। बाहर एक तरकारी का छोटा सा एक दुकान और खेड़े में गुड्डे दाल को बिकाती गई थी, वैसा ये माँ साहब 5-5 रुपए 10-10 रुपए की तरकारी, वो हादसा हुए बाद उनकी तरकारी का व्यापार भी जरा कम हो गए। ये नौजवान जो बच्चा था उन्हें एक गैर की लारी चलाते थे, एक टिप्पर, काम भी इससे भी निकाल डाले, और को सुन को बहुत अफसोस हुआ। हमें कहती भी है कि फैमिली के वास्ते करना, और को पूरी अज्जू ब्रदर्स टीम जाको वहाँ जब हालात देखे तो हमना भी हालात के ऊपर बहुत अफसोस हुआ। आज हमारी हालत यह है जो वत्ती मुख्तसर जगह के ऊपर जो पूरे दुनिया पर राज करे सो सरजमीन, वो सरजमीन में हमारी कौम की हालत यह है। घर को बोल को सबसे इम्पोर्टेंट आदमी को उसकी रोजी, घर की रोजी चल गई तो दुनिया का बात सोच सकती। घर को पहले उनकी एक रोजी का इंतजाम करने की एक फिक्र लेको आए थे, जैसा कि हमें जबान देखो आए उसी तरह एक बेहतरीन आज ये कापे ऑटो, जो एक आपे ऑटो इनको कमा को इनके माँ और इनके बीबी इनके भान को पालने के वास्ते, इनके भान भी एक बेवा भान नहीं उम्र वाले माँ ही, ये ऑटो में इनको नसीहत यह है कि कमा को तुम्हें, तुम्हारे से कम हालत में कौन ही उनकी एक मदद करना, तुम्हें तुम्हारे से जो तकलीफ में ज्यादा है उनकी मदद करना। ये ऑटो कमा को खाना क्या भी लोन गिन खर्च क्या भी नहीं, खाली कमा गिनो चोनर से ऑटो के, ये डीजल दलाले को 1,000, 1,500, 2,000 कितने भी कमाती, पहले फैमिली को देख ले को, और कमजोर इनके गाँव में कौन ऐसे ही, उनकी छोटी मदद करेगा तो अल्लाह इनकी बहुत बड़ी मदद करता है। जैसा कि हमें जबान देखो आए थे, जो फैमिली को ऑटो तुम्हारे माध्यम के नाम से हैंडल करो, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। जैसा कि एक घर के ऊपर निशान निकाल लालिंग को पूरा कर्नाटक देखा था, हमारे नौजवान रिजवान और उनके दोस्त सब बिल्कुल आज एक निशान लाको भन को वो गाँव के अंदर बेच को दे रही, अल्लाह वो उसकी दुआ से इन अभी ऐसे बहुत आठवां मनाना गाँव को एक मिसाल बनाना। मैं गई बार भी बोलिया था, मेरी ताकत एक छोटी, बहुत जने बोलती आपके माध्यम से सुनता था मैं, जमीर भी ही जमीर भी कहने मंगले का को करती, हरगिज नहीं, हमारी ताकत भी है अल्लाह, ये मैसूर की आवाम की दुआ से हमारी भी एक छोटी मोटी ताकत है, एक 50,000 का 1,00,000 का ऑटो दिलाना, ये हमारी रोजी में बच्चा को जो हमें जो कमाती उसमें एक हिस्सा निकाल को ऐसे अंगी मदद करने की 20 साल से अल्लाह को राजी करने के वास्ते करने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह ये कबूल करना। और जो बोल रही जमीर भी कहने मंगले का करती जमीर भी करती पूरे कर्नाटक में करती, जब हमारी ताकत बस नहीं आती, देख कैसा के शांति नगर में मालूम था आप लोगों के माध्यम से जाने का हुआ, देखे बाद 50,000 की मदद पहले मैं करा, उसके बाद जमीर भी को बोल को कन्विंस कर को 5,00,000 की मदद कराए, बस उसके बाद घर का भी इंतजाम हो रहा है। ये फैमिली को भी बोल को मैं जमीर भाई से बात करी हूँ सिलसिले से, ऑटो मई दिला रहा हूँ, घर की रिपेयरिंग का जरा बड़ा मामला है, मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, छोटा आदमी आपके बीच में मई भी एक, मैं गरीब आदमी बोलने वाले जरा सुस समझ को बोलना, ऐसे अच्छे काम करने वाले की हिम्मत अफजाई बन करना पड़ता है, हिम्मत बनना पड़ता है, उनके खिलाफ बोल डाल को करना बंद कर डाले तो दूसरे को उसका फायदा पहुंचने का उसके जिम्मेदार ये लोग बनती। अगर गलत फहमी रही तो एक बार जमीर भी को बुलाता हूँ, वो बोलने वाले भी आ जाते हैं,
तुम अज्जू भाई को देखो करा रही कि अज्जू भाई खुद से कर रही है, उनके जबान नहीं हो रहा तो सफाई ले लेंदे। अल्लाह बोलने वाले को भी अल्लाह अच्छा करें दे, हमें किसी भी बदवा नहीं करते। उन्होंने भी कहा कि एक जगह खिदमत करते रहती है, हमें एक जगह खिदमत करती है। आज कौम को बहुत जरूरत है अच्छा काम करने वाले की, अच्छी खिदमत करने वाले की बहुत जरूरत है। खुश होना ये लोग देखो हमारे हक में दुआ करना, अगर हमारे से क्या गलत हो रहा है तो उसकी अगर उन्होंने बोले तो बराबर कर ले को खिदमत करने की इंशाल्लाह कोशिश करती है। ये फैमिली को अल्लाह अच्छा करें दे। तुम्हारे लोगों का भी शुक्रिया, हमारे दोस्त आज पूरे कर्नाटक में जो एक कर्णा का एक झंडा लेको जो अच्छे काम गरीबों को सिलेंडर दिलाना, हेल्थ कैंप करना, जो कार्डा ओपन बैंक अकाउंट ओपन करना, आज एक मिसाली काम हमारा भाई कर रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है। आज उनको भी बुला लिया मैं, जब वीडियो आपका देखे उन्होंने जाको घर को राशन देखो है, उन्होंने भी मुझे बोले थे अज्जू भाई कहती भी करती, अज्जू भाई बोले तो हमें करती घर को एक भरोसा था हमारे भाई को, वैसा अच्छा उनको भी बुला को मैं आपके माध्यम से उनका शुक्रिया भी अदा कर दो। एक छोटा सा एक मदद भी वो लोगों को बहुत बड़ी मदद हो टाइम पर, बात करने से ज्यादा दुनिया क्या हमना दी जरूरी नहीं, दुनिया को क्या भी लेको जाते नहीं, हमें जाते जाते दुनिया के वास्ते हमें क्या कर को गए, अल्लाह उसका अजर हमने आखिरत में दुनिया में मिलता है क्या नहीं मिलता वो जरूरी नहीं है। दुनिया में जो मिलता है 60 साल 70 साल की हयाती रहे तक जो अल्लाह हमारे से राजी होगा तो अल्लाह वो खयामत तक हमना उसका अजर मिलता है, उसके अजर में ऐसे कामा के अजर में अल्लाह से उम्मीद करती है हमना जन्नत देता है। अगर को वो वास्ते कर रही कौन भी गलत सूचना नहीं, अगर देखो दिखा रही घर को बोले तो हमें की दिखाती घर को बोले तो दूसरे भी देखो ये फैमिली को मदद करें दे। मैं एक छोटी मदद एक ऑटो दिल रही हूँ, कौन थी भी हमारा भाई दिलदार देखो एक इन टिप्पर चलाते थे, टिप्पर दिला को दे डाले तो इनको टिप्पर की लाइन में इनको अच्छा तजुर्बा है। मेरी ताकत ऑटो दिलाने की, अगर देखो ये सब दे डाल को शो कर रही सियासत करेंगे तो सियासत ही सही, ये अगर सियासत है तो सियासत ही सही, हमें देरी दिखा रही। मैं बोलने वाले से गुजारिश करता हूँ कि भाई को टिप्पर चला को आदत, टिप्पर का तो लारी आती है ना, वो दिला डाले तो अज्जू ब्रदर्स पूरा जाको उनको हमें उनकी तारीफ करको हमारा अस्मद शरीफ साहब के संगठन से उनका एक सम्मान करती है। हमें बोलने वाले सुस समझ को बोलना, हमें सब एक होना, नेक होती है हमें एक नहीं होते। सर मेरी नीयत है मेरी जान मेरा माल मेरा वर्क सब मेरे कौम के वास्ते इस्तेमाल होगा तो मैं जब जबान देखो आया 10 लाख होता तो भी मैं करता था, मैं बिक जाता, मैं जाको कांगे गुलामी कर को ये फैमिली को अच्छा करने की नीयत करता था। वो कीमत लगाने का होता नहीं, एक तोहफा है मेरे भाई को, एक दीनदार भाई मेरा, मेरी अम्मा रही थी उन्होंने कौन की गलत उन अज्जू करने जाक मंग लिया कर लिया नहीं, मेरे तरफ से एक तोहफा। आइंदा भी ये फैमिली को क्या भी जरूरत पड़ी तो मोहब्बत की कीमत कौन भी बन नहीं सकते है। मैं क्या बोला था 50,000 नहीं 1 लाख हो जाने मैं दिलाता हूँ, आज जो ऑटो का मोल नहीं है ये मोहब्बत में मोल बन नहीं सकते। कहता कि एक हुआ वो फैमिली को मैं क्या समझा कर को बोले तो एक कमा को खाने की एक रोजी, वो भाई बोलने के टेम्पो आपके माध्यम से क्या बोलेगा तो मैं टिप्पर चलाता था ये सब वीडियोस देखे बाद मुझे टिप्पर चलाने से भी निकाल लाल को मैं बेकार हो गयी कर को बोले, आज से ही नो बेकार नहीं, 500 कमाए तो भी इनके 10,000 कमाए तो भी इनके ऑटो के ओनर इनोज, ये मोहब्बत से एक भाई और दूसरे भाई को एक तोहफा दे रहा है सो इसमें कौन की बोलेगा तो उन्होंने जाको तुम्हें मंगले को फिर रही क्या की मंगले, एक दीनदार करने अपना दुख बोलने को मंगले ने में कौन सी भी ये नहीं है सर, चोरी करे तो डरना सो उन्होंने उनका दुख बोल लिया, मैं उनका दुख समझ को दे रहा हूँ, इसमें देन लेन नहीं, इनसे क्या भी उम्मीद नहीं मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद, इसके अजर में अल्लाह मुझे 100 वाटवान दिलाने की ताकत देता अल्लाह अगर को मुझे अल्लाह की जात को भरोसा, किसी की लीडर को कुछ करने के वास्ते नहीं, कौन की हमारे खिलाफ बोलती ना उनको डर को नहीं, मैं अल्लाह को राजी करने कर रहा हूँ, मेरा अल्लाह मेरे से राजी है को देने वाले की लाइन में मुझे खड़ाया है, अल्लाह मेरे से नाराज रहता तो मंगलेने वाले की लाइन में मैं खड़ा रहता था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ये फैमिली को भी देने वाला बना दे, आइंदा आने वाले दिना में इनकी फैमिली का क्या प्रॉब्लम रहा था घर का मसला बोल कोई इंशाल्लाह, अल्लाह चाहा तो जमीर भाई को बात कर गो बड़ी मदद, वो मेरी ताकत नहीं, वो क्या मेरी ताकत जितनी थी और मेरे खुद के पैसे में जितनी भी खिदमत कर रही है मैं हमारे खुद के पैसे में, जमीर भाई के हमारे ताल्लुकात एक भाई से ज्यादा ताल्लुकात डायरेक्ट उनके हाथ से करा दी, कांगी कमानी दरवाजे में 2 लाख रुपए उनके हाथ से दिए, शांति नगर में 5 लाख उनके हाथ से दिए, जत्ता भी देती कभी मैं मंगले का को किसी की देना कर को वो नौबत अज्जू को आको नहीं है, अज्जू दजनिया को मदद करने वाला। जमीर भी कहते कि बार उनकी मदद करो और को मंजे फोन करको बोली मैं करको हूँ,
जमीर भी कहने मंगले को मदद कर को नहीं, अगर कौन थी गलत फहमी रही तो आत मंजे बात करें दे, नहीं जमीर भी को जाको बोल लें दे तुम्हें देख भेज रही सो सभी अज्जो रख ले रही घर को बोल को जमीर भी को बोल को देना बंद करा लें दे, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ। जी सर, एक ही जुमले में अगर कहेंगे आप इनके पिछले दिनों जो है आपके जन्नर हलके को अपने उम्मीदवार बोलकर अनाउंस कर को है सर, एक जुमले में अपने उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? सर, इज्जत देना, जिल्लत देना, एमएलए बनाना, मौत देना अल्लाह के हाथ में है, इसकी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आवाम मंजे चुंदा ली मेरा नसीब में तो कौन भी चुकाने होता नहीं सर, अगर नसीब में नहीं तो कौन भी लाखों देने होता नहीं, लोगों की मोहब्बत के ऊपर जाता है। आजाद हिंदुस्तान में हर आदमी को खड़ने का हक है, कौन की सर्टिफिकेट दिया तो खड़ना, कौन की लायक है तो खड़ना, वो नहीं है सर। कौन होना तो भी खड़े जाए, एमएलए खड़े जाए, एमपी खड़े जाए, हर जीत जो रहती है अल्लाह के हाथ में रहता है। अल्लाह चाह तो मैं क्या भी नया सियासतदान नहीं सर, आज मेरे लेवल के सियासतदान कम ही है, मेरे लेवल के आदमी अगर सवाल करती है तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, सबको जवाब देने के वास्ते मैं तैयार नहीं हूँ। अगर कोर्ट से भी गलत फहमी रहेगी चाको वोट डालती सर, मैं क्या भी नया सियासतदान नहीं, 2008 में एमएलए खड़ा था, किसी भी पूछ को एमएलए खड़कने की जरूरत नहीं, वो डब्बे खुले बाद सबके औकात मालूम होते सो, अल्लाह चाको अगर सबकी दुआ रहेगी तो इंसान ही एमएलए बनता सो, कांसे की फरिश्ता को एमएलए नहीं खड़ता, मैं भी एक इंसान हूँ, अल्लाह चाह तो बन सकता हूँ, अल्लाह चाह तो खड़ सकता हूँ, खंडा कर को मंजे प्रेजर है, अभी वक्त है, वो टाइम पर देखेंगे बात करेंगे, अगर अलमिया चाह को तुम्हें खंडाज कर को बोले तो एमएलए भी खड़ सकता हूँ, अगर हारिया तो भी मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, ये लोगों की खिदमत करता हूँ, जीत डाला तो जियात कर दो, मेरी ताकत के साथ एमएलए की ताकत मिली तो नरसिंह राजा क्षेत्रानी पूरे कर्नाटक की खिदमत करने की अल्लाह मुझे ताकत और सलाहियत देखो है, और आदमी के साथ बुरे टाइम पर खड़ तू मैं, उसकी खुशी के टाइम पर नहीं, तो होम के ऊपर गैर के ऊपर जब तकलीफ आती है उसके बाजू मैं एक बाजू खड़े रहता हूँ, तो खुशी के टाइम पर चाहना ये सब चीजा मेरे दिमाग में नहीं है। मंजे क्या है तो आज काम भी तकलीफ आती है, मोहब्बत से मंजे बुलाती, नहीं बुलाए तो नहीं जाने वाले की लिस्ट में मैं भी जमता हूँ, ये भाई मोहब्बत से आपके माध्यम से बुलाया, अगर नहीं जाता तो उनको भी बुलाया, उन्होंने भी नहीं आया, जो नहीं जाको ही उनकी लिस्ट में मंजे खड़ना पसंद नहीं। मेरी एक छोटी मोटी ताकत है, हमें किसी की पूछ को करने की जरूरत नहीं, किसकी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अल्लाह की सर्टिफिकेट हमारे पास है, अल्लाह हमारे से राजी है, अल्लाह से हमें राजी, इज्जत देना जिल्लत देना अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जो चाहता वो फैसला होता। आपको वादा किया गया था, तसल्ली दी गई थी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आज जो है आप खुसूसन मैसूर आए हुए हैं, किस तरह महसूस कर रहे हैं आप, क्या महसूस कर रहे हैं? जी, वो ये हादसा हुए जब से हमारी हालत बेहालत थी, इंशाल्लाह अल्लाह एक मसीहा बना के अज्जू ब्रदर्स टीम को हमारे घर के पास भेजा समझता हूँ, और इनके जरिए से काटो भी मिलको है इंशाल्लाह, उनकी एक बात क्या है कहते इसमें कमा को 1 से 4 ऑटो बनाना, और तुम्हारे से कम हालत वाले को तुम्हें मदद करना करने की बात कर पाए इंशाल्लाह, जो धड़ में रू जब तक रहता है बेशक इसके बारे में इनकी बात को मैं बचा लेने की कोशिश करता हूँ। ओके, किस तरह आप उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो जो है मैसूर से आपके गांव आकर जो है आपके जो भी मसला था वो मसले को देखे, फिर जो है इतना बड़ा कदम उठाया, कैसा शुक्रिया अदा करते हैं? जी, बहुत बोलना तो लफ्जा नहीं मिल रही कि इनके शुक्रिया गुजारने के वास्ते, जो भी हाल में हूँ आज सिवा अल्लाह जो बहुत बड़ा है बेशक, इसके बारे में दूसरी बात नहीं, और रही बात क्या तो ये इस खुशी में क्या बोलना समझ में नहीं जा रहा मुझे, बेहालत है, एक हालत को लाने को खड़ाने की एक कोशिश करें इंशाल्लाह, उनकी भी बात पर मैं जो उनकी बात पर भरोसा रखो हूँ, उन्हों मेरे ऊपर भरोसा रख पाई उसे भी मैं बचा लेने की कोशिश करता हूँ। आज मैं यह हालत को आने इतना सभी वादा हुआ हमारे घर को अज्जू भाई आको नहीं हमें मैं एक ताकतवर बनाता हूँ, तुम ना मेरे बच्चे को एक रोजी रोटी का करतूँ घर को बोले आज वादा के लिए पूरा करी हमारे घर को ऐसा टेम्पो मैं खैश कबीले के ऊपर मेरे भाईचारे के ऊपर बोली क्या भी गलत बोली रहता हूँ तुम्हें माफ करो क्या कहते हो अज्जू भाई मेरे एक बड़े भाई रहे सर का एक रिश्तेदार भाई रहे सर का अल्लाह उनकी कमाई में बरकत दे दे अल्लाह उनकी कमाई में बरकत दे दे उनके बच्चों को नेक बना दे इसमें क्या है तो आज पूरे मेरे भाईचारे समझ के मैं उनको सबकी कमाई में बरकत दे दे उनको दुआ कर रही हूँ क्या तो मैं गलत रहता हूँ माफी से। मोहतरमा, आपको शिकायत थी आपके शोहर को जो है रोजगार नहीं है काम नहीं है और घर का जो है गुजरान बहुत मुश्किल से चलता था बोलकर
अब जाकर जो है आपको एक रोजगार मिला है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जब कैसी हालत थी, अब अल्लाह का बहुत बहुत लाख शुक्रिया, और अज्जू भैया का सबकी ब्रदर्स की टीम को बहुत से बहुत शुक्रिया अदा करती हैं, और हमारे मीडिया को सबको भी बहुत से बहुत शुक्रिया अदा करती है। जो अब हालत थी, अब हमारी हालत सुधरती है करने का एक भरोसा है। सब तो सबकी दुआ से अल्लाह हम ना अब अच्छा रखती है, रखो रहती है करने की एक दुआ से बहुत तो खुशी हो रही है। शुभ संजय ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿರುವ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀನಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಜಾಂ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅವರ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಘಟನೆ ನಡೀತೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ಮತ್ ಶರೀಫ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ನಿಮಗೆ ನೆರವಾಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 9 ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜ್ಜು ಮತ್ತು ಅಜೀಜುಲ್ಲಾ ಅವರ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು, ಅವರು ಒಂದು ಇವತ್ತು 50,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜನರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜನನಾಯಕ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಜನನಾಯಕದ ಪಟ್ಟ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಜೀಜುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಸ್ಮತ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಸಹ ಇವತ್ತು ಜನನಾಯಕನಾಗಿ ಸಹ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ದೇವರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಆಟೋ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಸಹ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. और इसी तरह हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप लोगों की क्या राय है, जिस तरह बात कहा गया था, जिस तरह वादे को जो है पूरा करने को लेकर, जिस तरह आज खुसूसन मैसूर के दफ्तर में इस तरह ऑटो रिक्शा को जो है रवाना किया जा रहा है, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें. तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.